नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कोवा न्यू वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कोवा न्यू में 6.74 इंच जबकि नोट 12 टर्बो में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है जो कि कोवा न्यू से कम है। विड्थ की बात करें तो कोवा न्यू में 3.04 इंच जबकि नोट 12 टर्बो में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो कोवा न्यू में 0.36 इंच जबकि नोट 12 टर्बो में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो कोवा न्यू में 212 ग्राम्स जबकि नोट 12 टर्बो में 184.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कोवा न्यू में IPS LCD जबकि नोट 12 टर्बो में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो कोवा न्यू में 20:5:9 जबकि नोट 12 टर्बो में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कोवा न्यू में 6.8 इंचेस जबकि नोट 12 टर्बो में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कोवा न्यू में 720x1640 और नोट 12 टर्बो में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कोवा न्यू में 83.16% जबकि नोट 12 टर्बो में 85.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कोवा न्यू में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नोट 12 टर्बो में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कोवा न्यू में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और नोट 12 टर्बो की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो कोवा न्यू में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और नोट 12 टर्बो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो कोवा न्यू में पावर GE8320 जबकि नोट 12 टर्बो में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो कोवा न्यू में मीडियाटेक हीलियो G25 और नोट 12 टर्बो में मीडियाटेक हीलियो G96 मिलता है। बात करें रैम की तो कोवा न्यू में 6GB जबकि नोट 12 टर्बो में 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कोवा न्यू में एंड्रॉइड V11 जबकि नोट 12 टर्बो में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी कोवा न्यू में 6000 mAh जबकि नोट 12 टर्बो में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो कोवा न्यू 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,780 रुपीस में मिल जाता है और बात करें नोट 12 टर्बो की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो कोवा न्यू में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 टर्बो आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 टर्बो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 टर्बो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 है, तीसरा Realme 7 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।